ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेटिंग टिकट से ट्रेन में सफर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और बेटिंग टिकट हम दो प्रकार से बुक कर सकते हैं, ई टिकट और आई टिकट। तो क्या हम ई टिकट से बेटिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर आई टिकट से बेटिंग टिकट से हम ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, फुल डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गर्मी का टाइम आ चुका है और होली भी आने वाले हैं और शादी लगन का टाइम चल रहा है। इन दिनों ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुके हैं, यानी कि वेटिंग देखा जाए तो 300, 400, 500 वेटिंग चल रहे हैं। तत्काल टिकट भी अभी से ही बुक करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जब भी हम तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो IRCTC की वेबसाइट या फिर IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप से काफ़ी सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिससे आम पब्लिक को तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा है। और काफ़ी लोग ये जानना चाह रहा था यदि तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा है तो क्या हम वेटिंग टिकट से ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आई टिकट को लेकर, यानी कि आप लोग इंटरनेट के द्वारा टिकट अपने खुद से या फिर किसी एजेंट से टिकट बुक करा रखे हैं, यदि वो वेटिंग लिस्ट है और चार्ट प्रिपेयर हो जाता है और आप लोगों को सीट कन्फर्म नहीं होता है तो आप लोग उस टिकट से ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते। यदि आप इंटरनेट के माध्यम से टिकट बुक कर रखे हैं तो क्यों नहीं ट्रेन में सफ़र कर सकते। इंटरनेट के माध्यम से यानी कि एजेंट से या फिर खुद से टिकट बुक कर रखे अगर वेटिंग टिकट कन्फर्म नहीं होता है तो ये टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाता है IRCTC के द्वारा, और जितने भी पैसे होंगे आपको रिफंड मिल जाते हैं। और इस टिकट से क्यों नहीं सफ़र कर सकते, क्योंकि ये टिकट जो होता है A4 साइड से की जो होता है, और इन टिकट से आप लोग फोटो कॉपी करा कर भी ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, यानी कि एक टिकट से 5 बंदे 6 बंदे सफ़र कर सकते हैं, जिससे कि रेलवे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। इसकी वजह से ई टिकट जितने भी होते हैं वेटिंग लिस्ट में वो ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाता है। यदि आपने आई टिकट यानी कि काउंटर से टिकट बुक करा रखी है वेटिंग लिस्ट और वो टिकट चार्ट बन जाता है और टिकट कन्फर्म नहीं होता है, उस टिकट से आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो दोस्तों रेलवे को माना जाए दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल में रेलवे का कहना है आपके पास वेटिंग टिकट ई टिकट हो या फिर आई टिकट हो तो आप दोनों से ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अभी फ़िलहाल में ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और इन दिनों ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल है। लेकिन यदि आप लोगों के पास काउंटर से अपने वेटिंग टिकट बना रखे हैं तो आप लोग स्लीपर क्लास में ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, यदि आपने काउंटर से वेटिंग टिकट ले रखे हैं तो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी वेटिंग लिस्ट से ही यानी कि वेटिंग टिकट से ही वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि टीटी को इन बातों को पता है, क्योंकि बिहार रूट में समय जाने के लिए काफ़ी लोग बेचैन हैं और सीट नहीं मिल रहा है। तो इन दिनों काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वेटिंग टिकट से यानी कि काउंटर वेटिंग टिकट से ही ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और किसी प्रकार का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। यदि आप लोगों को भी ज़्यादा इमरजेंसी है और ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है तो आप लोग काउंटर वेटिंग टिकट से ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। यदि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।